नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं वी इंडिया न्यूज चैनल। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। ठेका मजदूर संघ सारणी के संरक्षक सुनील सरियाम ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर मांग की है कि मध्य प्रदेश के सभी विद्युत कंपनियों एवं वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड में कार्यरत ठेका श्रमिक जो 45 वर्ष से कम आयु को कोरोना वायरस COVID-19 की वैक्सीन लगाने का निवेदन किया, साथ ही ये भी बताया कि सभी विद्युत कंपनियों एवं वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड में एक वर्ष से अधिक चल रहे वैश्विक महामारी की विषम तथा विपरीत परिस्थितियों में कोरोना योद्धा निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिससे कि विद्युत उत्पादन एवं कोयला उत्पादन की वजह से अन्य किसी प्रकार की सेवाएं प्रभावित ना हो। जिस प्रकार से अन्य विभागों के समस्त कर्मचारियों को कोरोना वायरस COVID-19 की वैक्सीन दी जा रही है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश के विद्युत कंपनियों एवं वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड में कार्य कर रहे समस्त ठेका श्रमिकों को भी प्राथमिकता के आधार पर कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाया जाना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही कोरोना वायरस COVID-19 की वैक्सीन लगाने हेतु प्रशासन द्वारा उचित दिशा निर्देश जारी करने की कृपा करें। मध्य प्रदेश के सभी विद्युत कंपनियों एवं वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में आपूर्ति सुनिश्चित करें कि सेवाओं में आगे भी कोरोना योद्धा के रूप में कार्य करते रहें तथा कोरोना वायरस COVID-19 की वजह से विद्युत एवं कोल आपूर्ति की सुनिश्चितता में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हों।